हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, जो कि हमारे गांव के बहुत ही पास में है, यानी कि मतलब 15-20 किलोमीटर के अंदर में है। और अभी हम घर से निकल गए हैं और मैंने ना वीडियो का इंट्रो पार्ट रिकॉर्ड किया था, जो कि मेरे से गलती से डिलीट हो चुका है। तो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और यहाँ पर देखो रास्ते का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। तो चलो, और यहाँ पे देखो मंदिर पहुँच चुके हैं बासा झार, जो कि करगी रोड कोटा से थोड़ा सा आगे है। वहाँ में मंदिर है धुंधीदाई मंदिर, जो कि अभी ऊपर में आपको दिखेगा। ये देखो जय माँ धुंधीदाई महामाया मंदिर बासा झार। तो यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे ना पूरे कोटा क्षेत्र या आसपास में ना पूरा यहाँ की मंदिर की ना बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मन्नत पूरा होता है, मतलब सच्चे दिल से यहाँ पे माता रानी से जो भी मांगोगे वो आपके मन्नत बहुत ही जल्दी पूरा होता है। और यहाँ पे तो बकरे का ना बलि भी देते हैं इस मंदिर में, तो बहुत ज़्यादा हमारे गांव से तो और भी ज़्यादा हमेशा ना बिल्कुल यहाँ पे मन्नत का बकरा वगैरह कटता ही रहता है। तो फाइनली हम लोग बहुत दिनों बाद, मतलब सक्षम ना बहुत छोटा था, 3-4 महीने का ना था, तब आए थे हम लोग दर्शन करने के लिए। और 4 साल अब हो जाएगा, 5वां साल रनिंग होगा, तो अब आए हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे ना पूरा बदल गया है ये मंदिर ना, मतलब पहाड़ के पास जंगल में है, जंगल के पास गांव से थोड़ा सा दूर है। तो पहले आते थे ना तो बिल्कुल भी ऐसा मतलब पूरा नहीं था, दुकान वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगता था, मतलब लगता था 1-2 बस थे, नारियल वगैरह मिलता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगता था। और अब ना पूरा यहाँ का पूरा बदल ही गया है, मतलब बहुत ज़्यादा दुकान वगैरह लग रहे हैं, भीड़ वीड़ बहुत ही ज़्यादा है। तो चलो करते हैं माता रानी की दर्शन, और आप लोग भी कर लीजिए। सो गाइस, हम लोगों ने दर्शन कर लिया है और अच्छे से यहाँ पे दर्शन वगैरह हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो हनुमान जी का दर्शन करना है। और यहाँ पे पीछे में आप देख सकते हो पूरा नारियल बंधा हुआ है, सारे नारियल ना मन्नत के नारियल है। तो देखो खूब सारा यहाँ पे बंधा है, जैसे मरही माता में बंधा रहता है ना भनुहाटन में, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा देखो नारियल सारी तरफ बंधा हुआ है मन्नत का, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और मन्नत मांगने के लिए, अपना इच्छा पूर्ति करने के लिए। तो बस हम लोगों ने मंदिर का दर्शन कर लिया है, अब चलो ऊपर चलते हैं। पहाड़ ऊपर भी ना काली माता का मंदिर है, तो वहाँ जाएंगे दर्शन करने के लिए। उसके पहले यहाँ पे देखो शनिदेव का मंदिर है, तो पहले ही नहीं था, अभी 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 बना है शनिदेव का मंदिर। तो चलो करते हैं यहाँ भी दर्शन। सच्चा आराम से बेटू, बस ए ऊपर नहीं चढ़ते, चलो तो चलो चलते हैं ऊपर दर्शन करने के लिए काली माता का। और ऊपर ना पहाड़ के पत्थर के बीच से ही काली माता का मूर्ति है, जो कि आपको आगे चल के दिखाएंगे। तो हम लोग काली माता के ना मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखो पत्थर के बीच से उनका मूर्ति।
डाल दी। जेट करो, जेट करो, जेट करिए। हाँ बच्चों, खाली में आओ। सो गाइस, अभी हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं, मतलब अभी ऊपर में ही हैं, अभी नीचे नहीं गए हैं। और यहाँ पे देखो, ऊपर में भी ना जंगल में पहाड़ के ऊपर मोबाइल कवर बेचा रहा है, तो ऊपर और भी मतलब वो है ना, पत्थर के बीच से ना पानी निकला है कुंड जैसा, तो ऊपर में है। तो हम लोग अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ना यहाँ का पहाड़ ना मतलब जो छोटा छोटा ऐसे टुकड़े टुकड़े जैसे रहते हैं ना, वैसा नहीं है। पूरा यहाँ का जो पत्थर है ना, पूरा एक ही पत्थर है ऐसा लगता है मतलब, और बहुत ही ना चिकना है यहाँ का पत्थर। तो मतलब बच्चों को लेके जाना सही नहीं है, पैर वगैरह फिसल जाएगा करके हम लोग इस बार नहीं जा रहे थे। तो मतलब पहले आए थे ना तब ऊपर गए थे, तो उधर कुंड था, पानी था पहाड़ के ऊपर में, लेकिन अभी बच्चों को लेके जाना मतलब उचित नहीं है क्योंकि बहुत चिकना रहता है यहाँ का पत्थर। और मतलब ऐसा हम लोग के जो गांव साइड है ना पहाड़ है, वहाँ का पत्थर ऐसे टुकड़े टुकड़े में है, छोटा छोटा, मतलब कहीं पे बड़ा कहीं पे छोटा। तो उस तरह के जगह में जाओगे ना तो नहीं फिसलता पैर। और यहाँ का मतलब देखने से ही मुझे लगता है कि ना पूरा जो इतना बड़ा पहाड़ है वो पूरा एक ही पत्थर से इतना बड़ा पहाड़ बना है, क्योंकि कहीं भी ऐसा छोटा छोटा आपको पत्थर वगैरह नज़र नहीं आता है ऊपर में, सब पूरा एक ही जैसा लगता है। और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा रतनपुर जैसा ना भीड़ हो गया है, पूरा दुकान वगैरह सजा है। तो रतनपुर जाते थे ना महामाया मंदिर वैसा, तो अभी उतना ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हो ही जाएगा। और ये देखो यहाँ का पहाड़, मतलब देखने से लग रहा है कि सारा पत्थर मतलब पूरा पत्थर एक ही पत्थर से पूरा बड़ा वाला पहाड़ बना है ऐसा। तो इसलिए ऊपर नहीं गए हैं, नहीं तो ऊपर भी जाते ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। और आगे में ना पहाड़ को काट के यहाँ पे गिट्टी वाला जो मशीन गिट्टी बनाते हैं ना, वैसा मशीन वगैरह भी लगा है, तो चलो आपको आगे दिखाते हैं। और यहाँ पे देखो ये पत्थर का खुदाई हुआ है जो कि गिट्टी बनाने के लिए यूज़ होता है यहाँ का पत्थर है। देखो इतना बड़ा पहाड़, और हमारे क्षेत्र को मतलब कोटा क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र या फिर जंगली क्षेत्र भी बोलते हैं, लेकिन हमारे गांव के ना 20 किलोमीटर बाद ही यहाँ पे जंगल पहाड़ देखने को मिलता है, और कोटा के बाद भी मिलता है। लेकिन यहाँ का रास्ता देखो, तो अभी यहाँ का रास्ता नहीं बना है, कच्ची सड़क है जो कि बरसात में बिल्कुल भी मतलब आने के लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा इधर कीचड़ वगैरह होता होगा इसलिए। और ये पूरा देखो पहाड़, तो यहाँ इस तरफ ना पूरा पहाड़ को काट के गिट्टी बनाने का काम हो रहा है। ये देखो कितना बड़ा बड़ा मशीन लगा है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोग आसपास के हो तो ज़रूर आइएगा मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए भी और दर्शन वगैरह करने के लिए, और फैमिली के साथ भी आ सकते हो क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा माहौल है इधर का। और ये देखो पूरा आपको यहाँ का पहाड़ वगैरह दिखाते हैं, और ये सारे ना गिट्टी तोड़ने वाला मशीन लगा है यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से देखो गिट्टी वगैरह है। और आगे आपको दिखाते हैं पहाड़, सो ये देखो कुछ इस तरह से पूरा पहाड़ जंगल वगैरह, तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था। और हम लोग शाम को आए थे, तो मतलब उस टाइम पे जब घर से निकले थे ना तब बदली था, तो हम लोग निकले थे और इस तरफ आए ना तो फिर से धूप उग गया, लेकिन हम 4 बजे निकले थे घर से तो उतना ज़्यादा धूप नहीं था यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपसे अपने ऐसे ही और भी अच्छे से वीडियो के